यार जरा अंडर आर्म्स देखो भाई के, बिल्कुल भी कुछ कालापन तो नहीं है। अरे यार भाइयों दुनिया परेशान है, उनकी जो अंडर आर्म्स वो जब हाथ उठाते हैं तो इतनी कालक निकलती है जितनी कालक पता नहीं पूरे इंडिया देश में ना हो। चुप, बिल्कुल चुप। समंदर की गहराई में मिलते हैं मोती, समंदर की गहराई में मिलते हैं मोती, और टिकटॉक की गहराई में मिलते हैं एक से बढ़कर एक पनौती। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाऊंगा टिकटॉक के एक ऐसे टट्टी से जो कि गोरे रंग से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना गोरा गोरा करता रहता है। गोरा होना है तो तुम्हारा भाई यार, आपको गोरा होना है ना यार। अरे यार कितने गोरे भी गोरे रह पाओगे? कभी मुझे भी शक होता है कि इसको इस धरती पे लाने में किसी ना किसी गोरे का हाथ जरूर है। बूम भाई ये क्या लगा? ये तो टट्टी है। तुम्हें ऑरेंज मैंगो और वाटरमेलन को विद छिलके काटना और मिक्सी में डालना है, तो चॉप कर देना और उसके बाद ना नींबू को ना निचोड़ना नहीं है, सिर्फ चॉप कर देना। ये बंदा कभी आलू के साथ हनी मिला देता है, कभी प्याज के साथ फिटकरी मिला देता है, कभी टमाटर के साथ दाल मिला देता है, कभी लहसुन के साथ लो लौंग मिला देता है, लौंग लहसुन यू नो ना। ये लौंडा अगर आपको एक दिन में गोरा कर सकता है तो गारंटी के साथ 2 दिन में कोरोना भी भगा सकता है। तो अगर 2 हफ्ते के बाद ये लौंडा आपको टिप्स देता हुआ मिले कि चमगादड़ के आधे चम्मच पेशाब के साथ कुत्ते की टट्टी मिलाकर लगातार 2 दिन सेवन करने से कोरोना खत्म हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है या पूरी दुनिया को ये बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहा है। इसकी ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक नंबर का बेशरम भी है। गाइज अभी अभी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हम सबको बहुत ज्यादा दुख है, एवरीवन इज वेरी सैड। पर ये जो बंदा है ये उनकी मौत की खबर को भी इतना एक्साइटेड होके बता रहा है जैसे इसकी बाप की दूसरी शादी हो और इसे भी इनवाइट किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मृदुल मेढक की। अबे साले मेढक, मृदुल मोदक नहीं, हम बात कर रहे हैं मृदुल मढोक की। ये लौंडा काला गोरा कर करके रेसिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट करता है कि अगर आपने इसकी 5 वीडियोस भी देख ली तो आपको यकीन हो जाएगा कि सांवला होना या काला होना दीपक कलाल होने से भी बहुत ज्यादा बड़ा पाप है। यही लौंडा कहता है कि गर्लफ्रेंड बनाना बॉयफ्रेंड बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये एक गलत ट्रेंड चल चुका है जिसकी वजह से लोग परेशान होते रहते हैं। हमारा कभी ना रिलेशनशिप कभी तो स्टार्ट होना चाहिए या फिर शायद से हमारा कोई सेक्सुअल अफेयर होना चाहिए किसी के साथ। क्यों? दिक्कत क्या है कि हमने ना क्या कर दिया, इस चीज़ को बना दिया ट्रेंड कि वाह भाई वाह, कॉलेज तक तो भाई सेक्सुअल अफेयर होना ही चाहिए। यही लौंडा अगले दिन बाकी लौंडों को लड़की पटाने के 3 जबरदस्त टिप्स देता फिरता है। गजब की हिपोक्रेसी है भाई। भाई ऐसी 3 चीज तुम्हारा भाई बता रहा है कि लड़की अपनी ईगो तोड़ के तुम्हारे पास आएगी अगर तुम्हारे पास ये 3 चीजें। ये लौंडा 6 मिनट में सुबह सुबह तैयार हो जाता है। तुम्हारा भाई जब सो के उठता है तो कितनी देर में तैयार होता है? मात्र 6 मिनट तैयार होना तुम्हारे भाई की तरह। देख साला मुझे तो 6 मिनट सुबह प्रेशर आने में लगते हैं। बताओ ना मैम आप हंस क्यों रहे हो? मैम हंसने लग गई। तो बेटा मैडम इसलिए हंस रही हैं क्योंकि उन्हें देर सवेर ये समझ में आ चुका है कि वो किसी चूतिए के चक्कर में चुकी हैं फंस और आज का पूरा दिन होने वाला है बर्बाद। अरे कैसा है भाई? यार बिल्लू कितनी बार बोला यार वीडियो के बीच में मत आया कर यार, अर्जेंट है यार। मेरा छोटा उस्ताद बचपन से काला है। छोटा उस्ताद पूछना इसके पास कोई टिप्स है क्या गोरा करने का? अबे यार पब्लिक वीडियो है, क्यों गंदी गंदी बातें करते हो यार। खैर भैया अगर आपके पास समझ रहे हो ना छोटे उस्ताद को गोरा करने का कोई टिप्स है तो वो भी शेयर कर दो अपने चैनल पे, लोग देख लेंगे भला हो जाएगा। तो दोस्तों काला होना गोरा होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ आप अपना ख्याल जरूर रख सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी फूड खाएं, आप अपने स्किन का ध्यान रखें, पर ये फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़े जो आपको एक दिन में गोरा करने की टिप्स देते हो या कहते हो कि मैं आपको 2 दिन में हीरे की तरह चमका दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ यू लव दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।